हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से बड़ी टीचिंग लाइन के बारे में जानना चाहते हैं या बड़ी कोई एजुकेशनल न्यूज जानना चाहते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी कुछ न्यू रिजल्ट आए हैं DSSB में, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थे और अब वो रिजल्ट आए, तो एक अच्छी खबर है उन साथियों के लिए। और जिनके अभी नहीं आए तो उनके रिजल्ट भी जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। तो इस पर जो सबसे पहले करेक्ट आंसर आए, टॉप 5 करेक्ट आंसर चाहे तो गणेश सत्री, अनिल कुमार, डॉक्टर जेआर निगम, नवीन कुमार, प्रताप पवार, रुखसाना खान। तो इन साथियों के सबसे पहले करेक्ट आंसर है, इन साथियों को दिल से धन्यवाद। इसके बाद जो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली ट्रेन किस देश में चली, दुनिया में पहली ट्रेन किस देश में चली। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं, आज रिजल्ट आने वाला है, वोटिंग रिजल्ट, और आज मतलब पता चलेगा कि कौन हमारे देश का पीएम बनने वाला है। तो साथियों सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शांति बना के रखें, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमारे देश में कहा जाता है कि सबसे गंदी चीज है, और आप इस चीज से दूर रहें, लड़ाई ना करें। जो भी जनता चुनेगी वो सभी के लिए होगा, सभी के लिए मान्य होगा और सभी को मानना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, वो जनता को मानना चाहिए। जो संभावना लगाई जा रही है वो पीएम मोदी की लगाई जा रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता क्या होगा। हालांकि जो भी होगा सभी को मानना चाहिए और खुले दिल से हम उसका स्वागत करेंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं, अभी DSSB ने न्यू रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, काफी टाइम से पेंडिंग में थे रिजल्ट, और ये रिजल्ट है TGT हिंदी मेल, TGT हिंदी फीमेल, दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। और जिन साथियों ने एग्जाम दिया है तो वो जाके चेक कर सकते हैं, कट ऑफ वगैरह इनकी कोई डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आप लॉगिन करेंगे तो वहां से आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि मतलब किन किन का नंबर आया, लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, और रिजेक्शन लिस्ट भी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों इसके बाद और भी काफी रिजल्ट बचे हुए हैं, वो रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों के भी कुछ रिजल्ट बचे हुए हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन से रिजल्ट आपके बचे हुए हैं, जिन पर हम जरूर विचार करेंगे और हो सकता है कि और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि कौन से रिजल्ट अभी आप लोगों के रह रहे हैं और कब तक आ सकते हैं। हालांकि उम्मीद ये है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको सारे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों अभी यही अपडेट है, अगर आप डेली एजुकेशनल न्यूज़ जानना चाहते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और साथियों वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी ताकत ही आप लोगों की ताकत है। तो साथियों हम सबको मिलके चलना है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।